आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्णी सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक कर सत्ता हथियाई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कह देना चाहता हूं, 14 जनवरी का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले न बनाई हो, लेकिन किसी भी पार्टी से हैसियत कम नहीं रखते हैं, उनके पास जनाधार की कमी नहीं है। आज हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हाथ इसलिए मिलाया कि अखिलेश यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है। मैं प्रदेश के लाखों लाख करोड़ लोगों का हजूम आपके नेतृत्व के साथ खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी को नष्टाबोध करने का काम करूंगा। आप 5 साल इंतजार क्यों किए उसी को बता रहा हूं। यहां पर इतना जुल्म, जाति अत्याचार, अन्याय हो रहा था, लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, गोरखपुर की घटना के साथ साथ 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जहां FIR लिखने में आपने हीलावाली किया, और साथ ही साथ जहां गोरखपुर 1.5 महीने के अंदर गगहा थाने में 7 हत्या हुई, 5वीं हत्या हुई, तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मैंने बल्कि ये कहा भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गगहा और गोरखपुर में गुंडा राज है, मंत्री रहते मैंने कहा था। यद्यपि कुछ टीवी वालों ने चलाया 1-2 बार, ऊपर से रोक दिया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी
थानेदार नहीं हटाया गया और सीओ नहीं हटाया, क्यों? क्योंकि वो जोगी बाबा का, जोगी बाबा की बिरादरी वाला था। और मेरे लौटने के बाद, मेरे लौटने के बाद जब दो हत्या और हो गई, यानी 7 हत्या पूरा हो गया, तब जाकर के यशो हटाया गया और सीओ हटाया गया। गगहा गोरखपुर, गगहा बाजार भी है, गगहा थाना भी है, गोरखपुर से 25-30 किलोमीटर आजमगढ़ वाली रोड पर है। यानी दो मौर्य मारे गए थे, दो ब्राह्मण मारे गए थे, एक दो बनिया मारे गए थे और एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। ये 7 हत्याएं, दो मौर्य, दो ब्राह्मण और दो बनिया और एक अज्ञात महिला की लाश। ये एक महीना 5-6 दिन के अंदर की सारी घटनाएं। और कहते हैं कानून राज है। और साथ ईशा, मैंने सोचा था कि 14 साल वनवास झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला है, अकल ठिकाने हो गया होगा, गरीबों दलितों पिछड़ों के लिए काम करेगी। लेकिन फिर वही कि जिन दलितों पिछड़ों गरीबों के वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एक एक करके उन्हीं को दफनाने की कोशिश करने लगा। आज इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिसके पीछे लाखों का हजूम हो, आज कोरोना महामारी के चलते निर्वाचन आयोग ने, निर्वाचन आयोग का भी शिष्टाचार पालन करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल को भी पालन करने का निर्देश दिया है। इसीलिए आज केवल प्रमुख लोगों को बुलाया गया, लेकिन आपका विक्रमाजीत मार्ग पूरा, कालिदास मार्ग पूरा, कालिदास विक्रमाजीत को जोड़ने वाला मार्ग पूरा, लामाइटेंडियर का पूरा मैदान इन कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा हुआ है, पटा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे भाई डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा, अगर कोरोना महामारी नहीं होता, निर्वाचन आयोग का आचार संहिता नहीं होता, तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा की चूले आज ही हिला दी गई होती। लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े नेताओं की नींद टूट गई, हराम है, चैन नहीं आ रहा है, टिकट बांटने का भी क्रम बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो हम जिसको टिकट दे वो भी पार्टी छोड़ चला जाए। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज का ये जो ऐतिहासिक दिन है, ये परिवर्तन लाने का शुभारंभ का दिन है, ये दलितों के सम्मान का दिवस है, ये पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान का दिन है, ये गरीबों मजलूमों व्यापारियों के सम्मान का दिन है।